कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप के लिए। हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक जो उत्साह रहता है वो अलग ही रहता है। किसे सपोर्ट करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? ये तो साहब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो इंडिया के लोग हैं तो इंडिया को ही पसंद करेंगे। हम क्यों दूसरे देशों को पसंद करेंगे, इसलिए इंडिया है तो मुमकिन है। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप के लिए पहला, हमेशा से इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के एक्साइटमेंट रहता, आप अपना नाम बता दीजिए और आपको आपका क्या कहना है, किसे सपोर्ट करेंगे और कितना एक्साइटमेंट? मेरा नाम सैयद सद्दाम अली है और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए तो बचपन से इंतज़ार रहता है। जिस दिन रहता है तो उस दिन स्कूल की भी छुट्टी किया करते थे, तो अब आज तो ऐसा है कि मेरा आज से ही इंतज़ार है कि कल देखूंगा दिन भर। और छुट्टी भरा माहौल है, हर्ष का माहौल है और हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान के लिए जान भी कुर्बान है, तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह फतेह होगी अच्छी। मेरा नाम मोहम्मद रेहान सिद्दीकी है। भैया, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, एक अलग माहौल रहता है दोनों देशों के जब मैच चलते हैं, कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं वर्ग विशेष को लेकर के, किसे सपोर्ट करेंगे और मैच के लिए कितना उत्साह? देखिए, वर्ग विशेष की बात ही नहीं है, मादर वतन हमारे लिए सबसे पहले है और हम अभी से हमारी टीम इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। कल जश्न फतेह, पूरा हिंदुस्तान मिलके 125 करोड़ देशवासी कल जश्न फतेह मनाएंगे और लाजमी बात है हिंदुस्तानी हमेशा पाकिस्तान पे भारी पड़ा है और हिंदुस्तानी जीतती आई है और कल भी हमारी टीम बहुत बड़े अंतर से और एक वन साइडेड मैच में कल पाकिस्तान को परास्त करेगी और यकीनन हमारे जो इंडिया के प्लेयर हैं काबिले तारीफ हैं। अभी हमारे सभी प्लेयर चाहे बॉलर हों, चाहे बैट्समैन हों, चाहे फील्डर हों, अपने अपने सब फॉर्म में चल रहे हैं और कल एक नया इतिहास रखने जा रहा है हिंदुस्तान। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के हमेशा उत्साह तो बना रहता है पर सवाल भी कई तरह के उठाए जाते हैं, किसे सपोर्ट करेंगे और मैच को लेकर के कितना उत्साह? कल के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है और दूसरी चीज़ क्या है कि सपोर्ट तो हमेशा इंडिया का ही रहता है और इंडिया को ही करेंगे, पर कल का मैच जो है काफ़ी टफ होगा क्योंकि उसका रीज़न ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अभी तक वर्ल्ड में मतलब उसके टक्कर की अभी कोई बॉलिंग नहीं है। और हाँ, बैट्समैन की अगर बात आती है तो इंडिया से बेहतर अभी और आज से काफ़ी टाइम पहले जब से विराट कोहली हैं, मतलब देश के फेवरेट प्लेयर हैं विराट कोहली और उनसे ही उम्मीद है कि टीम के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे कल के दिन वो। मैं चौधरी प्यारे चचा दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हिंदुस्तान की कामयाबी अता फरमाए और मोहम्मद समीर जो है बहुत अच्छा बॉलर है, मोहम्मद शमी और वो शर्मा क्या नाम है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अल्लाह पाक हिंदुस्तान में मन चैन कायम रहे और हम सब में अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ, मौज़िन प्यारे मामू जान साहब, जिंदा शाहवली, तारागढ़ की पहाड़ी, अजमेर शरीफ दुआ करने आया हूँ। मैं भारत में का रहवासी हूँ और भारत को ही जिताऊँगा और सबके लिए बोलूँगा भारत के लिए दुआ करें और मैं ये चाहता हूँ कि भारत यह कल के मैच में बहुत ज़्यादा जीते और सबसे देश में सबसे आगे बढ़े हम लोग और पाकिस्तान को मात दे। कल जब नेपाल के साथ मैच हुआ था तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जी, परफॉर्मेंस को देख के क्या लगता है कितना बड़ी टक्कर दे सकता है इंडिया को? नहीं, वो तो नेपाल तो एक छोटी टीम है, उसमें तो कोई खेल नहीं सकते, वो तो एक कभी हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता, कभी छोटी टीम भी बड़े बड़े कारनामे कर देती है, उलट फेर करने में सब माहिर होते हैं और कभी जो बड़ी टीम होती है वो भी नहीं, दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दोनों ही टीमें काफ़ी बड़ी है पर जब भी दोनों का मैच होता है प्लेयर्स को लेकर के कई तरह के जो एक्साइटमेंट रहते हैं, आपका क्या कहना है, कौन सी टीम बेहतर, किसको सपोर्ट रहेगा और कौन से खिलाड़ी के फॉर्म को देख करके लगता है कि वो दूसरी टीम पर भारी पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है मैडम, अगर सपोर्टिंग वाली बात है तो जितने भी यहाँ खड़े हैं सब इंडिया के ही हैं और ऑब्वियसली जो है इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर काफ़ी समय के बाद क्रिकेट के अंदर वापसी कर रहा है, उनका फॉर्म भी देखने के लायक होगा, जैसे हमारे जसप्रीत बुमराह हैं जो इंजर्ड थे, इंजरी के बाद वापसी करी है उन्होंने, इससे पहले मैच में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन को तो वो टिकने नहीं देंगे और जो है सारी विशेष हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके इंडिया के लिए हैं। आई एम सपोर्ट टू इंडियन टीम। जब बोल तो बिल्कुल निश्चित बात है, जब इंडिया में रह रहा है, इंडिया में है सब कुछ, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई सवाल ही पूछने वाले सवाल नहीं है। ये तो पाकिस्तान की टीम भी बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है, इंडिया को कितनी टक्कर देगी और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो कल के मैच में एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्म करें आपके पसंद? देखिए, जिस हिसाब से अभी इंडिया टीम फॉर्म में चल रही है तो ये तो कहना मतलब बहुत ही मेरे हिसाब से तो नहीं है कि कहीं से कहीं तक एक तरफा ही मुकाबला है मेरे हिसाब से तो कल, क्योंकि सारे जितने भी नए युवाओं को मौका दिया है जैसे कि शुभमन गिल है, तिलक वर्मा है टीम के अंदर
और विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि वन साइडेड मुकाबला होने वाला है कल। और बॉलिंग में भी देखा जाए, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कल करने वाली टीम इंडिया, और वन साइड मुकाबला होने वाला है। मैं पूरा सपोर्ट करूँगा कल इंडिया को।